नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल काफी सुर्खियों में रहती है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से वो जेल में बंद है और ऐसे में एक बार फिर से वह चर्चा में बनी हुई है। दरअसल तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया और इस दौरान कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसके बाद एक बार न केवल पूजा सिंघल चर्चा में बनी हुई है बल्कि रिम्स का पेइंग वार्ड भी जो है वो भी काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल पूजा सिंघल को उसी पेइंग वार्ड में रखा गया है जिसमें लालू प्रसाद यादव को भर्ती किया गया था। पहले लालू प्रसाद यादव इसी पेइंग वार्ड में थे और अब इसी पेइंग वार्ड में पूजा सिंघल है। आपको बता दें कि रिम्स का पेइंग वार्ड का कमरा A11 VIP कैदियों की पसंद बन गया है और इसी वार्ड में उन्हें देखा गया कि वह खिड़की पर आकर बाहरी दुनिया को निहार रही थी। बता दें कि पूजा सिंघल लंबे समय से जेल में बंद है और ऐसे में तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। लंबे समय तक इसी वार्ड में लालू प्रसाद यादव भी भर्ती थे और अब इसी कमरे में पूजा सिंघल भी आ चुकी है। वही अगर हम डॉक्टरों की माने तो हार्ट में शिकायत के बाद और दर्द और सांस लेने में तकलीफ के बाद पूजा सिंघल को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों की ओर से पूजा सिंघल को लेकर के उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ जानकारियां साझा की जाती है। मेरे साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।